एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। सो ये मैंने अपने बाल देखे, आप लोग कब से बोल रहे थे ना, तो मैंने अपने बाल आज ठीक करवा लिए हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं गई थी करवाने के लिए, लेकिन मैं फाइनल टचअप आपको नहीं दिखा पाई थी। तो यही है फाइनल, बस अभी इसमें हेयर कट बचा है, वो अभी होगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। मैं आ गई थी, शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि ज़्यादा देर भी फिर मतलब इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझे बहुत टाइम हो गया था तो मैंने ये छोड़ दिया था। तो अब मैं इसको अब जाऊंगी 2 दिन बाद हेयर कट करवाने के लिए बालों का। तो और बाकी सब तो हो गया है, मेरे बाल ना बहुत ख़राब हो गए थे सच्ची बताऊँ तो मैंने सोचा फिर चलिए करवा ही लेते हैं। पहले मैं सोच रही थी दिवाली के बाद करवाऊँ, लेकिन फिर वही टाइम का मौका मिल जाता है तो चलो अच्छा मौका था तो मैंने करवा लिया। और हाँ, तो अभी तो मेरे घर का सारा काम हो चुका है और मैं बैठी हूँ। अब मुझे ना बस, अब देखो मेरे घर का मतलब दिवाली की क्लीनिंग व्लीनिंग सब तो ये काम हो ही गया था। अभी पर्दे लगाने बाकी है, पर्दे लगाऊंगी। इधर के सारे रूम के पर्दे मतलब मेरे ऐसे ही बचे, इधर भी पर्दा नहीं लगा है, इधर भी पर्दा नहीं लगा, कहीं पर भी पर्दा नहीं लगा के रखा है, क्योंकि सारे पर्दे ना मैंने धो दिए थे। तो सोच रही हूँ अब एक एक करके जितने हो सकते हैं पर्दे लगा लेती हूँ, और लगाने के बाद फिर मैं अपना क्या कहते हैं बाकी के काम स्टार्ट करूंगी। क्योंकि आज तो वैसे मेरा लगभग तो मैंने क्लीनिंग वाला सब काम हो ही गया है, क्योंकि ज्यादा काम बचा नहीं है, सब इनका यही चलता रहता है। तो अभी इनकी क्लास का टाइम हो जाएगा तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ सब काम अपना करके बैठ जाऊं फटाफट से। तो अभी चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। अभी पता, अभी ना मतलब आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है अभी बाल अभी, लेकिन अभी बैड कमेंट मत कीजिएगा यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बाकी है इसमें, क्योंकि इसमें भी हेयर कट होगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सबसे पहले बनाने के लिए रख रही हूँ सूप, और मैं सूप बनाने के लिए रख दूँगी और तक्ष को देना है सूप मुझे, फिर उसके बाद फिर मैं बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। ये मुझे कर्टेंस सारे घर के लगाने हैं, क्योंकि आज पर्दे लग जाएंगे तो ये रहेगा कि कल से तो फिर वही पूजा पाठ और पूजा की तैयारी में दिन निकल जाएगा, क्योंकि कल से धनतेरस है। और फिर इसलिए तो सूप बनाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी कप में ले लिया है, उसमें मैंने सूप का पाउडर जो रेडीमेड सूप आता है ना नूर का, ये वही वाला है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि गाँठे ना बने, मतलब लम्स ना बने इसमें। और फिर उसको मैं डाल दूँगी उसमें पानी जो बॉयल हो रहा है उसमें, तो 2 या 3 मिनट मतलब मुश्किल से इसको पकाना होता है। मैं लगभग 5 मिनट पका देती हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा कर देती हूँ, तक्ष को थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है इसलिए। और फिर उसके बाद फिर मैं अपने काम में अब लगूँगी, क्योंकि पर्दे मुझे लगाने हैं तो उसको लगा लेती हूँ, क्योंकि सारे पर्दे ना मैंने धो के रखे हुए हैं, सिर्फ बस लगाने का ही काम है। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में और ये देखिए इस रूम में सारे धुले हुए पर्दे मैंने निकाल लिए हैं। अब किस रूम का कौन सा पर्दा है वो देख देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ 1-2 गेट की ऐसी लंबाई है कि थोड़ा सा अलग है, तो मैं वही चेक कर रही हूँ अभी। और तो पहले इसी रूम के लगा देती हूँ पर्दे, इसमें सिंगल मतलब इसमें विदाउट डिज़ाइन वाले प्लेन पर्दे ही है जो 2 कलर में है, बीच में सेंटर पे क्रीम कलर लग जाएगा और दोनों साइडों में ये पर्पल कलर का पर्दा है, तो ये लगाना है। तो ये पर्दे लगा के फिर उसके बाद दूसरे रूम में जाऊंगी। क्या है ना कि मतलब मेरे को तो सही में मैं पर्दे धुलवा लो निकलवा के जो मर्जी करवा लो, लेकिन ये लगाने का काम सबसे मतलब बुरा काम लगता है मुझे, लेकिन लगाने तो पड़ेंगे क्योंकि पूरा घर ऐसे खाली खाली लग रहा है बिना पर्दों के ना, अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से मैंने बाल भी खोल के रखे हैं, आप लोग भी सोच रहे हो क्यों बाल खोल के रखे। एक्चुअली क्या है ना, जब भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको एक दिन पूरे बाल खोल के रखने पड़ते हैं, उसमें कोई रबड़ या क्लिप या हेयर बैंड नहीं लगाते हैं, तो इस वजह से थोड़े मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि मुँह पर आ जाते हैं बाल ना, और मुझे आदत नहीं है, मैं हमेशा पूरे बाल फोल्ड करके ही काम करती हूँ घर का। बट आज मजबूरी है कि बाल फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ना उसमें कोई क्लच ना रबड़ लगा सकते हैं, तो इसलिए बाल खोल के ही करना पड़ रहा है आज काम। तो ये अभी इस रूम का पर्दा आपसे बात करते करते लग गया है। तक्ष भी देखिए यहीं खेल रहे हैं, उनकी भी क्लास का टाइम होने ही वाला है, तो उससे पहले 1-2 गेट के लग जाएंगे तो मैं लगा के फिर
इसकी क्लास करवा के फिर बाकी के पर्दे बाद में लगाऊंगी। पर्दे एकदम चमक गए, अच्छे से धुल गए हैं, एकदम शाइन आ गई है पर्दों में। और अभी फिर ये बाहर वाला है उसी रूम का पर्दा। हर रूम में ना मतलब मेरे लगभग एक दो मतलब हाँ हर रूम में दो जगह पर्दे लगते हैं, बालकनी में और एक गेट में, बालकनी में गेट में। तो पूरे घर में मैंने पर्दे पर्दे लगाए हुए हैं ज़्यादातर सभी जगह। तो ये इधर का पर्दा है तो मैं वही चेक करके लगाना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़े से ना गेट की हाइट थोड़ी अलग अलग है, तो किसी का किसी में लग जाता है तो कहीं का छोटा हो जाता है तो कहीं का बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं देख देख के लगा रही हूँ पर्दा पूरा, ताकि सही जगह लगे, फिर बार बार ना उतार के लगाना पड़े। इसलिए तक्ष ये गन लेके बैठा है अपनी, देखिए, क्योंकि कल वो अपने पापा के साथ गया था ना, तो वो गन लेके आया था, उसके पापा ने दिलाया था उसे दिवाली के लिए। अब बच्चे हैं ना, उनको तो मतलब ज़्यादा कुछ तो बड़ा कुछ ऐसा देना नहीं है पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए, तो यही सबसे बेस्ट रो गया ऑप्शन था है, क्योंकि मैंने गीजर सेफ है। इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया था, और क्या हुआ था कि वो भैया गीजर इंस्टॉल करने लगे और पता नहीं कैसे उन्होंने ड्रिल मशीन जैसी लगाई, बाथरूम का ना पाइप अंदर से था और वो पूरा ही मतलब लीक कर गया है, लीकेज हो गया है, और जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम, मेरा मूड ही ऑफ हो गया, मैंने वीडियो वीडियो बंद कर दी क्योंकि पूरा पानी बाथरूम में गिर रहा है। और मतलब अभी देखो त्योहारों का टाइम होता है ना, ऐसा कुछ काम हो जाए दिक्कत होती है। और कहां मैं ये सोच के करवा रही थी कि चलो गीजर लग जाएगा, ना गीजर लग पाया, चलो गीजर तो कोई बात नहीं, नहीं लगेगा, बाद में लग जाएगा, लेकिन बाथरूम का पाइप फट गया, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई है, और अब लीकेज हो रहा है, तो देखो वो कब तक बनता है। तो और अभी 1 घंटा हो गया इस बात को, अभी तक कोई आया नहीं है, मैं कोई आए तो मैं उसको ठीक करवाऊं। तो मैंने ना इस वीडियो को अभी कर देना है एंड, क्योंकि मैं एक दो जगह फोन करके बुलाती हूँ लोगों को आए और इसको बना के जाए, इतना सच में बड़ा उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। जिस टाइम पे काम का बहुत जल्दी होगा ना, उस टाइम पे ऐसे ही काम होता है कि कुछ ना कुछ टूट फूट जाएगा, टूट फूट जाएगा, यही होता है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं अभी वीडियो का एंड करूंगी, फिर उसके बाद मैं किसी प्लम्बर को फोन करती हूँ। वैसे मैंने प्लम्बर को कर दिया, लेकिन सब लोग कहते हैं अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, अभी तक कोई आया नहीं है, कोई आएगा तो ठीक करके जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। आज का वीडियो मुझे पता है थोड़ा मतलब ऐसे ही है, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में वीडियो बना है, बट डेफिनेटली कल से बहुत अच्छा वीडियो आएगा क्योंकि सारे त्योहार स्टार्ट हो गए, बट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आज के लिए तो माफी दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।